Hello everyone, my name is Payal Popli and I welcome you to Magnet Brains channel. इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे बैंक के बारे में जिसका मेन मोटिव ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का है. सी, हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे जो बैंक्स होते हैं वो यूजुअली एक तो ऐसे भी होते हैं जो जनरल क्राइटेरिया पे चलते हैं कि हाँ कोई भी लोन आएगा, कोई भी इंसान लोन लेने आएगा, हम उनकी हेल्प करेंगे या हम उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे. लेकिन हमारी इकोनॉमी में हमने ऐसे भी बैंक्स बनाए हुए हैं जो कि स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की हेल्प के लिए आते हैं, जैसे हमने देखा नबार्ड के बारे में. तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो अलग अलग वे से किसी ना किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी से या किसी ना किसी पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर काम से रिलेटेड हैं और वही काम करते हैं, उन्हीं लोगों को ही फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं. उसी तरह से ये एक बैंक है जिसका नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ये बोलता है कि हमारा काम है इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करना. कैसे? क्योंकि हम बैंक हैं तो आपको पता होगा हम कैसे हेल्प करते हैं. हम हेल्प करते हैं पैसे देके. आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. दे आर सेइंग इट वॉज सेट अप एज एन अपेक्स बॉडी टू प्रोवाइड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर डिफरेंट स्कीम्स. ये बोलते हैं ये एक ऐसा एपेक्स बैंक है जो कि डायरेक्ट वे से या फिर इनडायरेक्ट वे से, दे आर नॉट सेइंग हमेशा डायरेक्टली पैसे से ही मदद करेंगे. जैसे हमने नबार्ड में भी पढ़ा था ना कि हमेशा पैसे से नहीं मदद करेंगे, समटाइम्स वो और भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे जिससे लोगों की मदद हो जाएगी. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिस पे फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट करते हैं. किसके चलते हुए? बहुत सारी स्कीम्स के चलते हुए. अब दे हैवन्ट मेंशन्ड द नेम ऑफ दो स्कीम्स क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता है. आज हमें पता है गवर्नमेंट डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ स्कीम्स निकालती हैं. तो ये बोलते हैं ऐसे साइज से स्पेशली रिलेटेड जो स्कीम्स होती हैं उनको आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं. तो उन सब स्कीम्स के चलते हुए ये एपेक्स बैंक कुछ ना कुछ तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को. To meet credit needs of small business organizations. See, credit need किसी भी चीज़ को ले के हो सकते हैं. फिर से मुझे raw materials purchase करने हैं, फिर से मुझे labor को payment करनी है, फिर से मुझे अपने packaging में लगवाना है, फिर से मुझे अपने marketing में काम पैसे लगवाने हैं. तो ये सारी चीज़ों के लिए credit avail करवा के देना इस particular bank का काम होता है. Small scale industries को जब भी पैसे की requirement होती है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू नॉर्मल बैंक्स, क्योंकि हमें पता है नॉर्मल बैंक्स विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी पैसे नहीं देगा, तो विदाउट गोइंग टू देम ये क्या करेंगे, ये इसके पास जा सकते हैं और ये बहुत ही ईजी टर्म्स पे उन्हें लोन्स दे देगी. सो क्या समझ में आया? अगर मान लीजिए आप कभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलते हैं तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू नॉर्मल बैंक्स लाइक ICICI एंड दिस SBI, इन सब बैंक्स के पास ना जाके आप किसके पास जा सकते हैं? आप इस पर्टिकुलर बैंक के पास जा सकते हैं जिसका मेन मोटिव ही आपको मदद करने का है. देन दे आर सेइंग टू कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन एंड सिमिलर एक्टिविटीज. ना सिर्फ ये पैसे प्रोवाइड करती है लेकिन ये कोऑर्डिनेशन भी प्रोवाइड करती है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से कैसे कनेक्ट करके एक ब्रिज फॉर्म करना और आपकी मदद करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस बैंक. क्योंकि देखिए बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं होती, ठीक है. एक एरिया में अगर हमने ऐसा बैंक खोल दिया तो उसके पास कितने सिलेक्टेड लोग आएंगे जिनके पास एक्सरसाइज होंगी, और वो कितने होते हैं आउट ऑफ 110, ठीक है. तो बाकी टाइम तो ये खाली रहते होंगे ना. तो ये खाली रहने वाले टाइम को फिल करने के लिए हमने इनको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि ना सिर्फ आप पैसे ग्रांट करो लेकिन आप ऐसे फंक्शंस भी निभाओ, ऐसे कोऑर्डिनेशन वाले फंक्शंस भी निभाओ जिसमें आप कनेक्शन प्रोवाइड करो, एक ब्रिज बन जाओ डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में, और रॉ मटेरियल्स ये सप्लाई वो सप्लाई, यहाँ की बात हर चीज़ में हेल्प करने के लिए आप खड़े रहो विद वॉट SSIs, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. सो इनका भी मेन मोटिव उनसे ही रिलेटेड है क्योंकि ये भी एक क्या है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड है किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, या यू कैन से MSME, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. विद दैट अगर आपको नोट्स चाहिए तो magnetbrainsbhopal.com पे जाके आप नोट्स ले सकते हैं विच इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.